कार में अगर इस तरह से चीज़ मिल जाए तो और ही कोई ज़बरदस्त लगती है। मज़ा आ गया। आते हैं और देखते हैं कि कैसा है इसमें खाने में। मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू दी अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। जी तो आज मैं खड़ी हूँ कराची की सबसे मशहूर कॉलोनी यानी हैदराबाद कॉलोनी में, ठीक है। मतलब ये जो कॉलोनी है ना, तो यहाँ पे हैदराबादी खाने बहुत मशहूर है, हैदराबादी चटनी बहुत मशहूर है, हैदराबादी मतलब हरीज बहुत मशहूर है यहाँ के हवाले से, मैंने ये बहुत सुना है, ठीक है। लेकिन आज हम देखते हैं, आज हमें इफ्तार के हवाले से यहाँ क्या क्या मिलता है। मतलब दिखने में तो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन हम देखते हैं हमें इफ्तार में क्या मिलने वाला है। तो आए आप लोगों को भी दिखाते हैं हैदराबाद कॉलोनी और ख़ुद भी विजिट करते हैं, चलते हैं। तो मैं सबसे पहली दुकान पर इधर आई हूँ, यहाँ पे दक्कन अचार घर, ये नाम आप लोग देख सकते हो, लाइक ये नाम इनका दक्कन अचार घर है, ठीक है, यहाँ के एक शॉप का। और मैंने सुना है ये शॉप मतलब सबसे पुरानी शॉप है यहाँ इस कॉलोनी की, ठीक है। इस बारे में भी हम भाई से डिस्कस करेंगे और पूछते हैं इनके पास क्या क्या आइटम है, वो भी बहुत मज़ेदार लग रहे हैं मुझे दिखने में। लेकिन हम पूछते हैं क्या क्या है, क्योंकि हमें ज़्यादातर आइटम्स के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन अभी हम पूछते हैं क्या सीन बनता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने सुना था ये दक्कन अचार घर यहाँ की सबसे मशहूर सबसे पुरानी दुकान है। ये इतनी पुरानी है कि 1950 में मेरी दादी ने खोली थी। अच्छा, आज हम लोग वाली साहब ने चलाई, हम थर्ड जनरेशन है। अच्छा, फोर्थ जनरेशन ये बच्ची खड़ी हुई है। सही। और ये चली रहा ट्रेडिशन। अचार का जो सिलसिला है वो आपकी दादी ने शुरू किया था? तमाम चीजें हमारी दादी के। अच्छा, तो इंडिया से माइग्रेट हुई? इंडिया से आए थे, जब आए थे तो 1950 में, जब सोचा क्या करें तो अचार का काम और ये सब सामान का काम शुरू। अच्छा, माशाल्लाह से तब से और अब तक कितने साल होने वाले हैं? ये 74 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, मतलब के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आप लोग, ठीक है ना। इतनी मेहनत तब से अब तक हो ही जा रही है यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे आप कुछ इंट्रोड्यूस कराएंगे क्या क्या आइटम्स आपके पास रखे हैं? लुकमी है, हैदराबादी पकोड़े हैं, मिर्ची हैं हैदराबादी, और क्या नाम है, आलू के पकौड़े हैं, हरीस है हैदराबादी, हलीम होती है, चिकन बीफ दोनों है, कच्चे गोश्त की बिरयानी, दम की बिरयानी है। अच्छा, ये लुकमी का मैंने सुना था कि कोई कबाब के साथ खाया जाता है। ये दम के कबाब के साथ, दम के कबाब हैदराबादी। अच्छा, तो कचौरी वगैरह भी इधर रखी हुई है। लुकमी है, कचौरी नहीं है, चने की दाल के हलवे की मीठी पूरी है। चने की दाल हलवे की मीठी पूरी है, ये आप लोग चेक कर सकते, मतलब सारे आइटम है माशाल्लाह से आपके पास। और मैंने एक चीज सुनी थी कि आप लोग जो कबाब वो जो होते हैं पकौड़े जो होते हैं वो हरीस के साथ मिक्स करके खाते हैं, ऐसे सीन है? पकौड़े हरीस के साथ ये कि मेरे बहुत मजेदार लग जाते हैं। अरे कुरम हो जाता है, प्याज के पकौड़े खास तौर पे। अच्छा, प्याज के मजेदार लगते हैं, इससे आप रोजे में भुलवा रहे हैं और मुँह में पानी आ रहा है। अच्छा, जबरदस्त। फिर आज हम ट्राई करने वाले ये चीज भी। नहीं, फिर हम इंशाल्लाह इफ्तार हरीस से करते हैं आपकी तरफ ही इधर। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आप लोग चेक कर सकते हो कितनी कोई जबरदस्त हरीस है, ठीक है। चिकन और बीफ अलग अलग रखी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे दही भले भी रखे हैं, लाइक हैदराबादी दही भले, ठीक है, ये आप लोग चेक कर सकते हो। और हैदराबादी दम बिरयानी, ये क्या है अंकल? खुबानी का मीठा। खुबानी का मीठा, अच्छा ये देख सकते हो आप लोग, खुबानी का मीठा भी रखा हरीस के यहाँ पे, इस तरह से पैकेट बना बना के भी रखे हुए, ठीक है, ये आप लोग चेक कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब खुशबुएं तो एकदम खतरनाक वाली आ रही है यहाँ पर ये। अच्छा, तो मैं ऐसे चलती चलती आई थी और मुझे दिखा इधर हैदराबाद कॉलोनी में फ्रोजन आइटम, मतलब हरीस और बिरयानी, ये सब मैंने तो बहुत सुना था, लेकिन फ्रोजन आइटम्स का मैंने अभी अभी देखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रोजन आइटम्स मिल रहे हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। तो हम अभी भाई से पूछते हैं कि कैसे रुपये दे रहे हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है इनका, और मैं पूछती हूँ इनमें से है क्या क्या। हमारी होममेड है और सारी इकोनॉमिकल है। अच्छा, होममेड है जी, सारा होममेड प्रोडक्ट है। और चीज़ बॉल होते हैं हमारे पास, जो हमारा सबसे फेमस है। सही। ये 300 रुपीज़ के 6 हैं, और इसके अलावा क्रिस्पी समोसा है, फिर मिंट समोसा है, ये भी 600 रुपए के, ये 600 वाले आइटम बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा फिर बारबेक्यू समोसा है, ये 500 के दर्जन है, यानी जो 250 का जो है 6 का पैकेट होता है। अच्छा। इसके अलावा ये चिकन वेजी रोल है, ये 180 का पैकेट है, 6 का। आलू के समोसे हैं, वन टॉन है, वन बाइट है, इसी तरह चिकन चीज कोन है। बहुत सारे प्रोडक्ट है ऐसे जो अब खत्म हो चुके हैं, इफ्तार टाइम हो चुका है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे लिखे हुए सारे वाले प्रोडक्ट यहाँ पे लिखे हुए आप लोग चेक कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, प्राइस मैंने आप लोग को बता दिया, लेकिन बहुत सारे आइटम्स हैं, सारे होम मेड है, और नंबर भी नीचे व्हाट्सएप के दिया हुआ है, तो आप लोग ऑर्डर करके भी बनवा सकते हैं, लोग बनवा सकते हैं ऑर्डर पे, तो यहाँ पे ऑर्डर पे भी आप लोग बनवा सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, फ्रोजन आइटम बने बनाए आपको मिल रहे हैं, आपको सिर्फ फ्राई करें तो और अच्छी बात क्या हो सकती है। भाई आप मुझे बताएं कि हरीस का हिसाब किताब क्या है, रेट क्या चल रहा है? हरीस मैडम इस टाइम 900 रुपये केजी चल रही है। अच्छा। और असल में हरीस जो है मुनफरिद होती है हलीम से थोड़ी सी, असल में इसमें दालों का जो है एडिशन नहीं होता है। अच्छा। तो हल्की चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है आगे, क्योंकि सिर्फ गंदुम और गोश्त होता है, गोश्त होता है। बेसिकली आइटम जो है
ये तो अरब का है, अरब का है बिल्कुल। तो वो फीका खाते हैं, तो अरब से जब ये गई इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान आई, तो इतने लंबे सफर में स्पाइसेस की एडिशन होती रही। तो ये आप ये पूरा महीना खाएं, डेली खाएं, आपके पेट में कोई दर्द नहीं होगा। अचार घर में, ठीक है, यहाँ पे अचार का मतलब एक खजाना है, ठीक है ना, आप लोग मतलब नाम ही दक्कन अचार है, तो इस शॉप पे तो अचार का खजाना रखा हुआ है, मतलब के और चटनियों का खजाना रखा हुआ है और पापड़ों का खजाना रखा हुआ है, मतलब हैदराबादी स्पेशल। तो आए हम पूछते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं अचार के, चटनी के और पापड़ के, तो आए हम भाई से पूछते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे ये कौन कौन सी चटनी है? मैडम हमारे पास बहुत सारी चटनियाँ होती हैं, एक आलू बुखारी की चटनी है, इमली आलू बुखारी की चटनी है, सिर्फ आलू बुखारी की होती है, सिर्फ इमली की होती है, नौरतन चटनी होती है, आम की चटनी जो होती है नौरतन वो होती है, इसके अलावा चिल्ली गार्लिक, अब आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखाना शुरू कर दूंगा। जैसे ये लहसुन की चटनी है, सॉरी ये लहसुन की चटनी होती है, चिल्ली गार्लिक सॉस बारबेक्यू सॉस है वो है आपको मिल जाएगा, इसके अलावा हमारे पास ये आलू बुखारी की चटनी होती है ये आपको मिल जाएगी, ये 12 मसाले की इमली आलू बुखारा, 12 मसाले डलते हैं इसके अंदर? जी जी मैडम। अच्छा। ये इमली आलू बुखारा धनिया पुदीना लहसुन में बनी हुई 12 मसाले की चटनी है, जो कि हाजमे के लिए भी बहुत बेहतर होती है। अच्छा। अभी ये रमजानों की स्पेशल चटनी है, क्योंकि फ्राइड आइटम रमजानों में इफ्तार में हम खाते हैं ना, उसके साथ अगर हम ये ट्राई करेंगे तो कम से कम हमारा हाजमा वगैरह सेट रहता है। अच्छा, टोटल कितनी चटनियाँ होंगी आपके हिसाब से? 20 से 21 किस्म की चटनियाँ हमारे पास होती है, जो टोटल हैदराबादी चटनियाँ। अच्छा, सारी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कि आपको रमजान के बाद मिल जाएंगे। अब रमजान में सीजन है ना, होता है ना, तो ये हमारे पास डायरेक्ट फ्राइड आइटम पकोड़े चलते हैं। अचार के आप मुझे बताएं, अचार के कितने टेस्ट होते हैं? अचार के तो 100+ वैरायटीज हैं हमारे पास। तो अचार आप लोग खुद करते हो? गोश्त का? जी जी, गोश्त का अचार भी होता है, झींगे का अचार भी होता है और चिकन का अचार भी होता है। मैं आपको नहीं, ये मुर्ग का अचार है जैसे, इसी में आपको गोश्त का अचार मिल जाता है, झींगे का अचार मिल जाता है। ये अचार आप लोग खुद बनाते हो? अचार होता है ये हमारे पास, देखिए बहुत अच्छा है। ये कौन सा? रिश्ते का अचार। रिश्ते का अचार, मतलब रिश्ते का अचार कहते हैं। नाम उसका क्या सोच के रखा? रिश्ते का अचार, हम लोग हैदराबादी लोग हैं ना, हम लोग मीठे लोग हैं तो मीठी जबान इस्तेमाल करते हैं, तो लफ्ज भी हम मीठे ही देते हैं अपने आइटम को। तो ये अचार आप लोग खुद घर पे बनाते हो? जी, ये मतलब कारखाने में हमारी दुकान का ही बना हुआ है, जितनी भी अचार और चटनियाँ सब हमारी बनी हुई हैं, यहाँ की और बाहर की नहीं है। 1950 से ही हमारी शॉप है, आज 74 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारी दुकान। सही हो गया। अच्छा, मैंने सुना था पापड़ भी वगैरह यहाँ पे हैदराबादी स्टाइल में बहुत रखे हुए हैं। पापड़ ज्यादा अभी वैरायटी है नहीं, खत्म हो गई। अच्छा, तो माश की दाल का मिल जाता है, मूंग की दाल का मिल जाता है, ये माश की दाल के पुराने बड़े वाले जो होते हैं ना, एक बड़े वाले पापड़ फेंकने वाले खत्म हो गए। अच्छा, हैदराबादी जुबान में मतलब है माश की दाल के पापड़ और ये सब वाले पापड़ है, मूंग की दाल के। अच्छा, ये क्या है? बड़ियां होती है, ये सालन होता है ना, ये बड़ियों का बेसन की बड़ियां, मंगोचियां आई थिंक जिसको कहते हैं ना, सालन बनता है इसका, है ना। हम मम्मा लोग बनाते थे, हमारी तो बहुत मजेदार होता है ये। इसके प्राइस वगैरह आप मुझे बताएंगे? हाँ जी, ये वाले होते हैं, ये इसी के बड़े बने हुए होते हैं ना। सही। अच्छा, इनके प्राइस मुझे बताएं। 200 पीस। और पापड़ वगैरह के? पापड़ प्राइस में 100 रुपीस से लेके स्टार्टिंग है 300 तक। सही हो गया। तो भाई यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पापड़, डिफरेंट डिफरेंट चटनियाँ, डिफरेंट डिफरेंट अचार, मतलब 100+ अचार के टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर बघारे बैंगन, अच्छा जितने भी पकवान है, जितने भी आइटम होते हैं, जैसे बघारे बैंगन, मिर्ची का सालन, ये हमारे पास फ्रेश डेली और रेडी होता है। डबल का मीठा हमारे पास होता है, जिसको आप लोग शाही टुकड़े कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, रिश्ते का अचार जो कि हमने अपनी तरफ से नाम दिया हुआ हैदराबादी लोगों ने, इसी तरह ये डबल का मीठा जिसको शाही टुकड़े आप लोग कहते हैं, इसको हम डबल का मीठा कहते हैं। अच्छा, आप ये डबल का मीठा होता है जो शाही टुकड़े जिसको। अच्छा, इसमें क्या क्या डलता है? ये ब्रेड है और इसमें बाकी चीजें तो वो आपको शेफ बताएंगे, मुझे नहीं पता क्या डलता है। तो भाई यहाँ का ये सीन है, ऐसे है ऐसे है भाई, यहाँ पे तो भाई बहुत ही मतलब एक स्पेशल खजाना है शॉप पे दक्कन अचार घर में, ठीक है। तो आप लोग आओ हैदराबाद कॉलोनी, यहाँ पे आके आप लोग पागल हो जाओगे, मतलब अचार के जो पसंदीदा लोग हैं ना, और चटनियों के जो है, और जो पापड़ के, वो तो यहाँ पे आके सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सा अचार लें, कौन सी चटनी लें, ये सीन होगा उनके साथ। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी इफ्तार की टेबल सज गई है, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के हरीस आ गए हैं, बीफ और चिकन हरीस, यहाँ पे इनका स्पेशल अचार आ गया है, स्पेशल हैदराबादी बिरयानी आ गई है, और यहाँ पे थोड़े फ्राइड आइटम आ गए हैं। तो इफ्तार की टेबल सज गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी बस इफ्तार करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि इनके टेस्ट कैसे हैं। अच्छा, तो रोज़ा अफ्तार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हमने रोज़ा अफ्तार किया है बिल्कुल अभी अभी, लेकिन खजूर भी थी लेकिन मैंने पानी से अफ्तार किया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है हरीस, ठीक है, ये है चिकन हरीस, हमारे पास दोनों हरीस है, बीफ और चिकन, ठीक है। ये आप लोग चेक कर सकते हो, और लवाज़मात डले हुए, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो, मतलब प्याज है, धनिया, और इसी से तो जायका आता है। तो अभी हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। ये वाली चिकन है, ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं। बिस्मिल्लाह, पहले हम मिक्स भी करना पड़ता है, इसी का तो जायका है यार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार है यार, मतलब वाकई में ये वाला जो चिकन हरीस है ना, ठीक है, चिकन के रेशे मुंह में आ रहे हैं एकदम, वाकई में एक डिफरेंट जायका है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ गेहूँ और चिकन का जायका है, बहुत ही कोई ज़बरदस्त एकदम डिफरेंट जायका बन। अच्छा तो ये आप लोग देख सकते हो कच्चे गोश्त की लाइक हैदराबादी स्पेशल बिरयानी, लाइक दिखने में तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, ठीक है, और कलर्स वगैरह भी बहुत ही कोई ज़बरदस्त लग रहे हैं, लेकिन अभी हम ट्राई करते हैं और कह देखते हैं कि कैसी है। लाइक मेरे घर में बनती है हैदराबादी स्पेशल बिरयानी, आप लोगों ने रेसिपी तो देखी होगी, ठीक है ना, व्लॉग में, लेकिन अब हम ये वाली बिरयानी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसी है। लाइक यहाँ पे सबसे पुरानी दुकान की मशहूर बिरयानी है हैदराबादी, तो अब ये ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसी है। ये आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है, दिखने में चावल एकदम ज़बरदस्त वाला, ठीक है, खिला खिला चावल हुआ हुआ यहाँ पे, और हम देखते हैं ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह खाने में। बहुत ही कुछ ज़बरदस्त है, ठीक है, जो मसाले हैं ना, मतलब बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मसाले डले हुए हैं, और चावल आप लोग देख सकते हो कितने कोई ज़बरदस्त वाले खिले हुए हैं, ना ज़्यादा ऑयल है ना कुछ है, ठीक है, बहुत ही कोई ज़बरदस्त लग रहा है, सकते हो कि चिकन कितनी कोई ज़बरदस्त वाली टेंडर हुई है, ठीक है, और बहुत ही कोई ज़बरदस्त लग रही है। अब हम इसके साथ भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। चिकन का जो मसाला लगाया हुआ है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्राइड आइटम, लुकमी कहते हैं इसको, ठीक है, तो अब हम इसको ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं कैसा है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो फुल लोडेड कीमा हुआ हुआ है, ठीक है, आप लोग देखो, अब हम ये ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। कीमा इतना डला हुआ है कि यार आप लोग चेक कर सकते हो, तो नीचे गिर रहा है, ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ेदार, रमज़ान में फ्राइड आइटम ही ज़बरदस्त लगते हैं, मज़ा आ गया। अच्छा तो ये मीठी पूरी कहलाती है बेसिकली, इसके जो चने की दाल का हलवा डलता है, ठीक है, ये आप लोग चल सकते हो। ओ माय गॉड, ये देखो खुलते के साथ ही हलवा अंदर से इतना फुल ज़बरदस्त वाला निकल रहा है, ठीक है, ये आप लोग देखो, तो हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। बिस्मिल्लाह रहमान, मज़ेदार, मतलब डिफरेंट है यार, डिफरेंट चीज़ ट्राई की है मैंने, मुझे क्या लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। लाइक ये वाला ना फ्राइड आइटम उनको पसंद आएगा जो मीठे के शौकीन हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार ये मीठे में। अच्छा तो अब जो मैं चीज़ ट्राई करने लगी हूँ वो आप लोग देख सकते हैं, इनको मिर्चें, इसमें हैदराबादी मसाला डाला हुआ है, ठीक है, फुल भरा हुआ है, आप लोग चेक, ओ माय गॉड, ये देखो आप लोग कितना कुछ ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है, ये देखो हैदराबादी मसाला, और हैदराबादी मसाला आप लोग ने, इन लोगों ने बताया कि ये लोग घर पर इस तरह से खुद बनवाते हैं, मतलब कारखाने में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है, अब हम इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं, पता नहीं मिर्ची तेज़ ना हो बस। मसाला बहुत ज़बरदस्त है यार, खट्टा मीठा मसाला है, बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है ना, जो मतलब कि जिनको मतलब तेज़ मसाले खाने की आदत है ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत परफेक्ट। तो मैं आई थी इधर हैदराबाद कॉलोनी, जैसे कि आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा, मैंने माशाल्लाह से इधर दक्कन अचार घर में इफ्तार भी किया है, तो भाई इस शॉप पे आपको हर जायका मिलने वाला है, ठीक है, चाहे वो अचार का हो, चाहे वो चटनी का हो, तो मतलब आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगा अचार के हवाले से, चटनी के हवाले से। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट अचार मिले, डिफरेंट अचार खाने हैं, या डिफरेंट डिफरेंट चटनियों के जायके चखने हैं, तो आप लोग को इस शॉप पर आना पड़ेगा, हैदराबाद कॉलोनी में दक्कन अचार घर पे आना पड़ेगा। अच्छा तो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेशल चीज़, तो भाई यहाँ पे मतलब जितने भी लोग हैं कराची में रहने वाले, जो आ नहीं सकते, जो मतलब अपनी फैमिली के साथ आ नहीं सकते इधर, या अकेले लेने नहीं आ सकते, जो दूर दूर रहने वाले, ठीक है, ये सीन है उनके लिए, जो कहीं भी रहता है कराची के कोने में भी रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आप लोग को नंबर शो हो रहा होगा, तो आप लोग यहाँ से कुछ भी आइटम मंगवा सकते हो, इवन के अचार, चटनी, पापड़, बिरयानी, हरीस, कुछ भी, इवन मैंने कहा ना कुछ भी, तो आप लोग कोने में भी बैठे, लेकिन आप चौथे कोने में भी कराची के बैठे हो ना, तो यहाँ पे डिलीवरी कर सकते हैं, नंबर आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग ऑर्डर करो और घर पर मंगवा लो, व्हाट्सएप पर ऑर्डर है, व्हाट्सएप पर आप लोग इस तरह से बातचीत कर सकते हैं और घर पर आप लोग को खाना मिल जाएगा, लाइक हरीस, बिरयानी, चटनी, अचार, कुछ भी आप लोग को घर बैठे मिल सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने अचार के मतलब जायके लगे हुए हैं, चटनियों के जायके लगे हुए हैं, और फी बॉटल के हिसाब भी लिखे हुए हैं, पैसे भी लिखे हुए हैं,
तो ये सीन है। तो भाई मेरी तरफ से ये वाली शॉप तो बेस्ट है, बेस्ट जायका है यहाँ शॉप का, ठीक है, हर चीज़ का, ठीक है। मैंने हर चीज़ ट्राई की, जैसे कि मैंने आप लोग बताया हरीज ट्राई की है, मैंने हैदराबादी स्पेशल बिरयानी ट्राई की है, मतलब मेरी तरफ से तो ये शॉप बेस्ट है यहाँ पे हैदराबाद कॉलोनी पे, ठीक है। तो आप लोग भी आओ और यहाँ पे आके खाने लेके जाओ, चाय लेके जाओ, बिरयानी लेके जाओ, तो बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ गो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, मस्त 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 कर देना, मुझे दुआ में याद रखना, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।